हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ईसीओर क्लासेज। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पे आपको मैथ के और रीजनिंग के शानदार क्वेश्चन बताए जाते हैं। और हम लोग पिछले स्टेप में एनालॉजी सेशन में ही थे और अभी भी यहां लाए हैं एनालॉजी सेशन से अक्षर या शब्द लेटर और वर्ड सादृश्यता एनालॉजी। इसमें हम लोग घड़ी वाले में भी चलेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे और एनालॉजी को भी लेकर के चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, BF का जो रिलेशन IM से है वही HL का किससे होगा। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। BF का रिलेशन है IM से, देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ देख रहे हैं B के बाद I है, तो B के बाद I का मतलब हुआ यहाँ पे प्लस 7 होगा, क्योंकि इस बी का सातवां लेटर आई है और एफ का भी सेवेंथ यानी सातवां लेटर एम है। ठीक है, आपको बताना है एच एल का, तो एच एल का भी हम सातवां लेटर लिखेंगे, एच का भी और एल का भी सातवां लेटर। ठीक है, तो यहाँ एच का जो सेवेंथ लेटर होगा वह ओ होगा, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ, और एल का सातवां लेटर एस होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो एस बनेगा। ठीक है, इसमें आपको ए बी सी डी का जो नंबरिंग होता है ना, 1 से लेकर 26 तक आप याद कर लेंगे, वो बहुत काम आता है और क्वेश्चन फास्ट भी बनते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जे एम का रिलेशन है पी एस से। तो देखते हैं जे का पी से क्या रिलेशन है और एम का एस से क्या रिलेशन है। तो जे के बाद छठा लेटर पी आता है और एम के बाद भी छठा लेटर एस आता है। सेम वैसे ही आपको बी ई का बताना है। तो यहाँ देखेंगे बी का छठा लेटर क्या है और ई का सिक्स नंबर लेटर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। तो B का छठा H होता है और E का K होता है, तो आपका जो आंसर बनेगा H K बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देखते हैं एम पी का जो रिलेशन एम जी से है वही बी ई का किससे होगा। तो यहाँ देखते हैं एम पी और यहाँ लिखेंगे एन जी। अब देखे हैं M के बाद N का रिलेशन और पी का जी से रिलेशन क्या है। तो एम के बाद एन आता है ना, तो यहाँ प्लस 1 हुआ, एम के बाद एन आता है तो यहाँ प्लस 1 हुआ। यहाँ दोस्तों एम क्यू है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हम क्यू कर लेते हैं, क्यू है तो पी का प्लस 1 करेंगे तो क्यू आएगा। सेम वैसे ही आपको बताना है बी ई का, तो यह देखते हैं बी ई, बी का प्लस 1 करेंगे तो सी आता है और ई का प्लस अगर 1 करते हैं तो एफ आता है, यानी सी एफ बनेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी का जो रिलेशन सी डी से है, तो ए से सी क्या है, प्लस 2 है, ए के बाद बी सी प्लस 2 है ना, ए से सी डी प्लस 2 है और बी का डी से है ये भी प्लस 2 है। आपको बताना है वाई जेड का, तो वाई जेड लिखते हैं और वाई से प्लस 2, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए आता है, यहाँ ए होगा और जेड का हो जाएगा, जेड के बाद ए और बी, यहाँ बी हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बनेगा ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं एस ई एल सील का जो संबंध ए एस एल ई से है वही पोल का किससे है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, एस ई ए एल और इससे क्या बना, ए एस एल ई। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो लेटर है वो लेटर इसमें भी है, यानी इसमें आपको प्लस माइनस नहीं करना है, केवल इसका पोजीशन चेंज करना है। तो नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो पहले 3 नंबर लिखा है ना, उसके बाद एस यानी 1 नंबर लिखा है,
उसके बाद एल है फोर नंबर, उसके बाद ई है टू नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, पोर का लिखना है पी ओ यू आर। अब इसमें भी आपको वैसे ही नवनी करना होगा, पहले थ्री नंबर लिखा है ना, तो यहाँ नवनी कर देते हैं वन टू थ्री फोर। तो पहले क्या लिखा है थ्री नंबर, थ्री में क्या है यू है, उसके बाद वन नंबर, वन नंबर में पी है, उसके बाद फोर है, फोर नंबर में आर है, और उसके बाद कौन सा छूट रहा है टू नंबर, तो टू नंबर में क्या है ई है, इसमें ई है, तो दो नंबर पे है, इसमें दो नंबर में ओ है। तो ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें केवल आपको पोजीशन चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स नंबर क्वेश्चन, राइट है इसमें भी देखेंगे, कोई नया इसमें लेटर नहीं है, बस इसमें पोजीशन चेंज है, तो नंबरिंग देते हैं वन टू थ्री फोर। जब ऐसा क्वेश्चन ही है ना, बस केवल पोजीशन चेंज हो फटाक से नंबरिंग कर दीजिए। वन टू थ्री फोर, तो पहले क्या लिखा है फोर, आई क्या है दो नंबर पे है, आर एक नंबर पे है, ऐसा नंबर दिया है सिक्स में, तो आपको बीम का पूछा है बी ई ए एम, वन टू थ्री फोर बी ई ए एम। पहले लिखना है फोर नंबर तो एम हो जाएगा, उसके बाद टू नंबर, टू नंबर में क्या है ई है, उसके बाद वन नंबर, वन नंबर क्या है बी है, उसके बाद थ्री नंबर में क्या है ए है। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, ड्राइव डी आर आई वी ई से बना है ई एस जे डब्ल्यू एफ। अब इसमें सीरियल चेंज नहीं है, तो जब सीरियल चेंज नहीं हो तो उसमें आपको देखना है कोई ना कोई इसमें रूल जरूर होगा। तो यहाँ देखेंगे डी से ई है प्लस वन है, आर के बाद एस आता है प्लस वन है, आई के बाद जे आता है प्लस वन है, वी के बाद डब्ल्यू आता है प्लस वन है, और ई के बाद एफ आता है, ये भी प्लस वन है, ठीक है, यानी प्लस वन इंक्रीज किया है। तो सेवन में आपको फाइव से बताना है एफ आई जी एस टी, तो इसमें भी क्या करेंगे एफ से प्लस वन, तो एफ ई एफ, एफ के बाद क्या आता है जी, आई के बाद आता है प्लस वन करना है जे, जी के बाद आता है एच, और एच के बाद आता है आई, और टी के बाद एस, बस यहाँ आपको प्लस वन दिखा देना है। तो ये जो आंसर बनेगा जी जे एच आई एस, ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, एट है अनडेटेड, अनडेटेड से क्या बना है ए टी ई यू एन डी। कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, तो इसमें भी कोई विशेष रूल नहीं है, बस केवल मेरे ख्याल से पोजीशन चेंजिंग है। यहाँ देखेंगे ए टी ई, ए टी ई यू एन डी, यानी यहाँ जो यू एन डी है ये लास्ट में गया है, और ए टी ई अनडेटेड, ए टी ई, ए टी ई यू एन डी, यू एन डी, तो यहाँ यू एन डी लास्ट में है, और ए टी ई डी इसमें कोई लेटर छूट रहा है, ए टी ई, ए टी ई डी यू एन डी, ए टी ई डी, यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों ए टी ई डी यू एन डी छूटा है, तो यहाँ डी कर देते हैं, और ये हो जाएगा ए टी ई, ए टी ई
डी यू एन डी। अब देखते हैं तो यहाँ यू एन डी लास्ट में है, तो शुरू में जो यू एन डी है थ्री लेटर वो लास्ट में गया है और लास्ट का फोर लेटर शुरू में गया है। आपको बताना है करेक्ट से, तो यहाँ करेक्ट का देख लेते हैं सी ओ डबल आर ई सी टी। इसमें क्या करना है, लास्ट का फोर लेटर पहले लिखना है, लास्ट का ये हो जाएगा रिएक्ट आर ई सी टी रिएक्ट, और शुरू का थ्री लेटर लास्ट में लिखना है। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है एल के जे का रिलेशन है एम एन ओ से। अब देखते हैं एल के जे का, तो एल के बाद एम आता है प्लस वन, के बाद के बाद है एन, तो यहां हो जाएगा एल एम एन, ये हो जाएगा प्लस थ्री और जे का हो जाएगा प्लस फाइव। तो इसके बाद यहां आपको समझना है डी सी बी का क्या बनेगा। तो यहां आपको पहले प्लस एल एम प्लस वन करना है, तो डी के बाद जी आता है, यहां प्लस वन हो गया, और सी के बाद थ्री नंबर लेटर है, तो सी के बाद आता है डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ, यहाँ एफ हो जाएगा, और एच जे के बाद फाइव है, तो जे के बाद फाइव लेटर आता है जी, एच आई जे, एच आई जे, डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, यहाँ बी का देखना है, तो यहाँ प्लस थ्री करेंगे और बी का हो जाएगा जी, तो आपका आंसर बनेगा ई एफ जी। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे लेटर चेंजिंग हो रहा है, बाकी इसमें एनालॉजी में कुछ है नहीं। लेटर कॉन्सेप्ट समझना है, पोजीशन समझना है, और भी इसमें बहुत कुछ है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम सब बताते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझते चलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर एम वाई ए सी का जो रिलेशन एन बाई ए डी से है, वही आपको यहाँ बताना है ओ बाई ए डी का किससे होगा। तो देखते हैं इसमें रिलेशन ध्यान से देखेंगे, तो एम के बाद एन है ना, ए प्लस वन है, ई में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, और यहाँ सी का डी है, तो ये प्लस वन है, वही काम करना है। तो यहाँ पे ओ के बाद पी आता है, पी रहेगा, और ए में कोई चेंजिंग नहीं है, और सी के बाद डी है, तो ई के बाद क्या आएगा एफ, तो ये वाला बनेगा पी बाई ए एफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।